नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ विधानसभा प्रस्ताव ला सकती है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। भूपेश बघेल की कैबिनेट की इस बैठक जो है सुबह यानी कि अभी चल रही है, 11 बजे तकरीबन शुरू हुई थी। इसमें सीएए के खिलाफ प्रस्ताव का अनुमोदन किया जा सकता है और कैबिनेट से पारित प्रस्ताव को विधानसभा के बजट सत्र में भी रखा जा सकता है। यह प्रस्ताव कैबिनेट से पारित होता है तो अगले महीने से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में इसे रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नागरिकता संशोधन कानून को देश की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ बता चुके हैं और इसके साथ ही उन्होंने इस कानून के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का भी ऐलान कर रखा है। लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं आशीष। आशीष, जिस तरीके से देखा जाए बाकी राज्यों की विधानसभा में इसे पारित किया गया, इसी के लक्ष्य कदम पे छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है, अगर ये विधानसभा में लाया जाता है ये प्रस्ताव तो आखिर इससे होगा क्या? देखिए, जरूर जिस तरीके से केरल, पंजाब, राजस्थान जैसे जो राज्य हैं, इन राज्यों की विधानसभाओं में यह प्रस्ताव पारित किया गया। ये नॉन बीजेपी स्टेट हैं, यानी बीजेपी की सरकार इन राज्यों में नहीं है। तीन राज्य जो हैं वहां पर कांग्रेस की सरकार है और पश्चिम बंगाल में भी इसे पारित किया गया है विधानसभा में, वहां पर टीएमसी की सरकार है। तो जरूर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की कवायद चल रही है कि अब ये पांचवा राज्य होगा जहां पर नागरिकता संशोधन कानून को संवैधानिक तौर पर विधानसभा में प्रस्ताव लाकर इसका विरोध दर्ज कराया जाएगा, इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मियां निश्चित तौर पर बढ़ सकती हैं, बीजेपी इसका विरोध कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब सदन में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा तो सदन में हालात गर्माते भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसे कानून की शक्ल दी है। संसद में, राज्यसभा में इस पर चर्चा के बाद इसे बिल को पारित किया गया था और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये अब कानून बन चुका है। तो ऐसे में कानून बनने के बाद विधानसभाओं में यदि इस तरीके का विरोध दर्ज होगा तो निश्चित तौर पर एक बड़ा पॉलिटिकल ये मुद्दा होगा। और जानकारी कहती है कि 24 फरवरी से विधानसभा का ये सत्र शुरू हो रहा है, तो जरूर सरकार के इस एक्शन पर बीजेपी का काउंटर रिएक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आशीष, जैसे कि बीजेपी के काउंटर रिएक्शन की बात की है, अगर कैबिनेट बैठक में ये पास होता है उसके बाद अगर सदन में पहुंचता है तो अब सवाल ये खड़ा होता है विपक्ष ने क्या कुछ तैयारी की है, क्या कुछ कहना है विपक्ष को लेकर कि जो सत्ता पक्ष है वो ऐसी ऐसी तैयारी कर रहा है सीएए को लेकर। देखिए, पिछले दिन अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अमित शाह पहुंचे थे, जहां उन्होंने 800 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उस संबोधन के पहले प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय ने कार्यक्रम का ब्यौरा भी मंच पर साझा किया था और साझा किए गए ब्यौरे के मुताबिक 8 फरवरी से 24 फरवरी तक लगातार बीजेपी मैराथन अभियान छेड़ने जा रही है। प्रदेश के कोने कोने में हर घर पे बीजेपी पहुंचेगी और मकसद यही होगा कि नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी की दलील ये है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो वाम दल है, कांग्रेस पार्टी है, जो समूचे विपक्षी पार्टी जो विरोध कर रही है वो इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और इसका जवाब बीजेपी इस तरीके से देगी। जरूर इस बीच यदि विधानसभा में सरकार नागरिकता संशोधन कानून को प्रस्ताव लाकर विरोध दर्ज कराएगी, प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, तो जरूर बीजेपी सदन के भीतर भी अपनी एक स्ट्रेटेजी के तहत सरकार के इस निर्णय का विरोध दर्ज कराएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका आशीष। और आपको बता दें कि जिस तरह से बजट सत्र में ये प्रस्ताव रखा जाए, कैबिनेट में अगर ये प्रस्ताव पास होता है सीए के विरोध में ये प्रस्ताव लाया जा रहा है, उसके बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा तो जाहिर सी बात है इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। विसागर के मेन पानी में शौच के